हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत फेमस ब्रेकफास्ट है इंडिया का, उपमा। तो अगर आपके फ्रेंड या फैमिली में जिस किसी को भी उपमा पसंद है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ढेर सारी इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो जाइए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कप सूजी, एक टेबलस्पून चना दाल, हाफ टेबलस्पून राई, एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई, 4 टेबलस्पून देसी घी, 2 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून उड़द दाल और 3 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच बटर, बटर ऑप्शनल है। हम सबसे पहले सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हम लेंगे एक पैन और गैस की फ्लेम हम कर देंगे स्लो फ्लेम पे और डाल देंगे इसमें 2 चम्मच घी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। हमें करीबन 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से सौते करना है। सूजी को हम अच्छे से सौते कर चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसे रख देंगे साइड पे। हम लेंगे एक पैन, हम इसे रख देंगे स्लो फ्लेम पे और डाल देंगे 2 चम्मच घी। अब हम इसमें डाल देंगे राई, राई अच्छे से पॉप अप करने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे उड़द दाल, चना दाल और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें स्लो फ्लेम पे ही बनाना है, वरना अगर हम मीडियम फ्लेम या फास्ट फ्लेम पे रखेंगे तो दाल का कलर चेंज हो जाएगा, मगर वो अंदर से कच्ची रहेगी। दाल का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स और हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और 30 से 40 सेकेंड पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे करीबन 1 मिनट जैसा पकाना है। प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे।
अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें आधा ही डालना है। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। अब हम फिर से जो आधा पानी बचा था वो डाल देंगे। और फिर से हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। हमारा उपमा एकदम रेडी है। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे ही निकाल के खा सकते हैं, मगर मैं इसमें डालता हूँ बटर। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। हमने इसे गार्निश किया है काजू से। आप चाहे तो काजू और धनिया रख सकते हैं फ्रेश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो जाइए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।